सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 6 भारत की ये बहादुर बेटियां जो एक फीचर है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 भारत की ये बहादुर बेटियां। आप इस बात से सहमत होंगे कि देश को गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह और लगन के सहारे अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है। फिल्म संगीत की ही बात करें तो आप लता मंगेशकर को याद करेंगे। ओलंपिक की स्पर्धाओं में संदर्भ में आप उड़नपरी, पीटी उषा, कन्नमलेश्वरी और सुनीता रानी को याद करेंगे। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में सरोजनी नायडू को और राजनीति के क्षेत्र में अरुणा आसफ अली को याद करेंगे। इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी को भारत तो क्या पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। गरीबों और कुष्ठ रोगियों की सेवा के द्वार मदर टेरेसा ने संत की ऊंचाई पा ली। क्या आपने भी ऐसी प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में सुना है? आइए भारत की ऐसी ही दो बहादुर बेटियों के विषय में पढ़ें। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि देश को गौरव दिलाने में महिलाएं की भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और कितनी ही महिलाएं जो है अपनी शक्ति और उत्साह लगन के सहारे अनेक क्षेत्रों में बहुत ही नाम कमाया है। चाहे वो फिल्म संगीत की ही बात क्यों ना कर लिया जाए, जिसमें आप जानते होंगे लता मंगेशकर को ओलंपिक की स्पर्धाओं में उड़नपरी, पीटी उषा के बारे में जानते होंगे, कन्नम मलेश्वरी और सुनीता रानी को कौन याद करेगा। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में सरोजिनी नायडू को और राजनीति क्षेत्र में अरुणा आसफ अली को याद करेंगे। इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी तो भारत को क्या पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। गरीब और कुछ रोगियों की सेवा करके मदर टेरेसा जो थी वो संत की ऊंचाई पा ली। क्या आपने भी ऐसे प्रसिद्ध महिला के बारे में सुना है? तो इस पाठ में हम लोग भारत की ऐसे ही दो बहादुर बेटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूल पाठ, भारत की ये बहादुर बेटियां। यत्र नारेषु पूज्यते रमते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख समृद्धि शांति होती है। यह बात प्राचीन काल में मनुस्मृति में कही गई थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई थी, बल्कि यह बात अनुभव से कही गई है। ठीक, पर प्राचीन काल में हमारे देश में नारी समाज की बहुत ही सामान्य सदस्य थी। गार्गी, मैत्री, गौतमी, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुष के बराबर बैठी रही हैं और समाज के निर्माण कार्य में अपना योगदान देती रही हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहीं सुख और समृद्धि शांति होता है, और यह बात जो है प्राचीन काल में मनुस्मृति में कहा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि वहाँ उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात ये भी नहीं कहा कि नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह बात कहा गया है, बल्कि ये बात जो है अनुभव से कही गई थी। प्राचीन काल में जो नारी समाज है वो बहुत ही सामान्य सदस्य थी, जैसे गार्गी, मैत्री, गौतमी, अपाला आदि। प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। ये जो नाम इनका लिए भी वो प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। वो प्राचीन काल से नारियां हमारे देश के पुरुष के बराबर बैठे रही हैं। पुराने समय से ही जो नारियां हैं
वो पुरुष के बराबर बैठी रही हैं और समाज निर्माण के कार्य में अपना योगदान देती रही हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप आजादी खिलाड़ी का उदाहरण लीजिए, भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वह गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वह पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। अब बात कर रहे आधुनिक काल में जो एक नारी है वो पूरी क्षमता से, शक्ति से और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है और शिक्षा प्रचार प्रसार में वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण ले लीजिए, उनमें भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम जो है आपके मन में आते होंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर, मतलब एक और बुलाने पे ही न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी की संघर्ष करने निकल पड़ती थी। चाहे वो गांव की हो या छोटे कस्बों की हो, शहर की हो या महानगरों की हो, मतलब किसी भी जगह से हो, वो आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ते थे। चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थी। आजादी के बाद वर्तमान समय में जब शिक्षा और तकनीक की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो महिलाओं ने एक बार फिर से अपनी क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया। अब आजादी के बाद जो बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में जब से शिक्षा और तकनीक सुविधाएं बढ़ी हैं, तब से महिलाएं एक बार फिर से अपनी क्षमता और साहस और बुद्धिमत्ता से का परिचय देना शुरू कर दिया है। आज जब यह कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, तो इसलिए नहीं कि उनके प्रति दया भावना है, बल्कि उन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाई है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, व्यापार या तकनीक क्षेत्र हो, हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएंगी। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने, अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाएं ने सफलता अर्जित कर ली है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम हो, या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का ही काम क्यों ना हो, हर काम अब महिलाएं कर रही हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में हवाई जहाज इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटर ठीक करने तक में महिलाएं सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिखाया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक कार्यशील, ईमानदार तथा कुशल प्रशासक होती है। अब इस में कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों से कम नहीं है। अब इसलिए नहीं कि उनको प्रति दया भावना है, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि वो महिलाएं पुरुषों के बराबर है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिखाया है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं की भागीदारी नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, व्यापार की तकनीक क्षेत्र हो, हर जगह आपको महिलाएं जो है काम करते नजर आएंगी। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंच चुकी हैं महिलाएं, अंतरिक्ष यान की यात्रा करने करने और पुलिस प्रशासन क्षेत्र में महिलाएं ने सफलता अर्जित कर ली है। हवाई जहाज उड़ाना हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो चलाने का काम हो, सब जगह महिलाएं आज काम कर रही हैं। पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल भरने का काम करती हैं, अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी हवाई जहाज इंजन ठीक करने के लिए, स्कूटर ठीक करना तक में महिलाएं सक्रिय है।
अब इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिखाया है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा से अधिक क्रियाशील हैं, ईमानदार भी हैं और कुशल प्रशासक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिलाएं समाज निर्माण के कार्य में आगे आ रही है, चाहे वो साधारण परिवार में पली बड़ी हो, मध्यम परिवार में पली हो या बिल्कुल निर्धन परिवार में। कोई भी अभाव उनकी क्षमता के आगे बौना ही साबित होता है। महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, मुश्किल चाहे जितनी विकराल हो, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है, चाहे वह फिल्म निर्माण या अभिनय का क्षेत्र हो, फैशन का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अनुसाधन का या अन्य कोई क्षेत्र। हर जगह हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में ही चले जाएं, जो कि दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, वहां भारत की महिलाएं चिकित्सा, कानून तथा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों से ही कहीं आगे हैं। चलिए आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि आज के समाज में जो भी वर्ग हो, हर वर्ग में महिलाएं जो हैं समाज के निर्माण में अब के कार्य में वो आगे आ रही हैं, चाहे वो साधारण बड़ी पली बड़ी क्यों ना हो, मध्यम परिवार से क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल ही गरीब क्यों ना हो। कोई भी अभाव जो है, कमी जो है, उनकी क्षमता को आगे बौना ही साबित होता है। महिलाएं ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, मुश्किल चाहे जितनी विकराल हो, यदि साहस और आत्मविश्वास तो दुनिया कोई भी कार्य उन्हें के सामने कठिन नहीं है। यही कारण है कि महिलाएं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी नाम ऊंचा किया है। भारत का नाम ऊंचा किया है देश में भी नहीं बल्कि देश के बाहर भी, चाहे वह फिल्म निर्माण में हो या अभिनय क्षेत्र में हो, फैशन का क्षेत्र भी हो सकता है, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अब अनुसाधन या अन्य कोई क्षेत्र। हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। किसने? महिलाओं ने। अमेरिका और ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश में गिना जाता है, वहां भारत की महिलाएं चिकित्सा, कानून तथा फिल्म निर्माण क्षेत्र में पुरुषों से कहीं आगे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की आधुनिक महिलाओं की बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान तथा खेल को ही ले तो जो नाम सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वे हैं कल्पना चावला और विजेंद्री पाल। ये दो महिलाएं अब भारतीय महिला के अदम्य साहस, बुद्धि, कौशल और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक बन चुकी हैं। ये महिलाएं किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई हैं, न इन्हें कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं ही प्राप्त थी। इनका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी। जब उन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था, तब सामान्य लड़कियों की तरह ही इनका भी विरोध हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध या प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। अब बात कर रहे हैं कि जो भारत की आधुनिक महिलाएं के बारे में बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान तथा खेल को ही ले लेंगे तो न जाने से सबसे पहले हमारे सामने कितने ही महिलाओं के नाम आते हैं, और उनमें से जो कुछ नाम हैं वह हैं कल्पना चावला और बिशेंद्री पाल। ये दो महिलाएं जो हैं भारत की महिलाएं के लिए अदम्य साहस है, बुद्धि, कौशल और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक बन चुकी हैं। ये दोनों कौन? कल्पना चावला और बिशेंद्री पाल। ये महिलाएं किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई हैं, ना ही इनके पास कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं ही थी। इनका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़की की तरह ही हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी। जब इन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था, तब सामान्य लड़कियों की तरह ही इनका भी विरोध हुआ था। जिस तरह से सामान्य लड़कियों के विरोध होता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, उनका भी विरोध हुआ था कि तुम दोनों ये मत करो, वही बात यहाँ पे बताया गया है।
लेकिन इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध या प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। अभी जो है ये दोनों किसी की बात को नहीं ध्यान दिया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रही। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में 1961 की 1 जुलाई को एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। पिता बनवारी लाल एक साधारण व्यापारी थे तथा माँ संयोगिता एक सामान्य गृहिणी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई भी सामान्य लड़कियों की तरह उनके शहर के स्कूल से शुरू हुई थी, लेकिन कल्पना ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। इस बात से कल्पना इतनी रोमांचित हुई कि उन्होंने अपना कक्षा की परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। शुरू से ही कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और वे अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती रही। शायद यही कारण है कि परिवार वाले के लाख मना करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिक को अपना विषय चुना। आइए हम इसे अब समझने की कोशिश करते हैं। जो कल्पना चावला थी उनका जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। कब हुआ? 1961 की 1 जुलाई को। उनका जो परिवार था वो एक साधारण व्यापारी परिवार था। पिता का नाम बनवारी लाल था जो एक साधारण व्यापारी थे और जो माँ थी एक सामान्य गृहिणी थी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई भी एक सामान्य लड़कियों की तरह अपने शहर में के स्कूल से शुरू हुई थी, लेकिन कल्पना ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा। जो कल्पना थी वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। जब कल्पना जो थी वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब अमेरिका की अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। इस बात से कल्पना इतनी रोमांचित हुई कि उन्होंने अपनी कक्षा की परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शा दिया। शुरू से ही कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और वे अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती रही। शायद यही कारण था कि परिवार वालों को लाख मना करने के बावजूद भी वो चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिक को अपना विषय चुना, वहां पे अपना वो दाखिला ले ली। इसके लिए उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाते रहे कि देखो अब लड़कियां भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बने चली हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर कल्पना अपने परिवार वालों के कठोर विरोध के बावजूद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एयर सस्पेंस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ली। तत्पश्चात बोल्डर में कोलराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एयरो स्पेस में PhD की डिग्री प्राप्त की। इस तरह उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने के साकार होने का भी वक्त आ गया। जब अमेरिकी अंतरिक्षयान के कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिक का चुनाव हो रहा था तब 29 बार प्रतियोगियों में उनके सर्वाधिक योग्य पाया गया और उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। इसके लिए कल्पना ने कठोर प्रशिक्षण लिया और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी। जब वो अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे बात करके उन्हें इस अभियान के लिए बधाई दी। उनका यह अभियान काफी सफल रहा और इस दौरान उन्होंने कई नए प्रयोग कर सबसे अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि जब वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना नाम लिखवाए तो उनके जो सहपाठी थे उनका मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि लड़कियां भी अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बनने चली हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। 1982 में जब इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली वो, तो कल्पना अपने परिवार वालों के कठोर विरोध के बावजूद भी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जो है चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MS की डिग्री ले ली। तत्पश्चात मतलब उसके बाद
होल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इस तरह उनके अंतरिक्ष में जाने का सपने का साकार होने का भी वक्त आ गया था। जब अमेरिका जो था अंतरिक्ष यान में कोलंबिया एडमिशन के लिए वैज्ञानिक चुनाव हो रहा था, तब उन 29-62 प्रतियोगियों में उन्होंने सर्वाधिक योग्य पाया गया। मतलब 29-62 जितने लोग थे आए थे प्रतियोगी कि उन्हें भी जाना था स्पेस में, उनमें से सर्वाधिक योग्य कल्पना चावला को पाया गया और उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। किनको? कल्पना चावला को। इसके लिए कल्पना ने कठोर परीक्षण लिया था और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर निकल पड़ी थी। जब वो अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम श्री इंद्र कुमार गुजराल था, उन्होंने उनसे बात करके उन्हें इस अभियान के लिए बधाई भी दी। उनका यह अभियान जो था काफी सफल रहा और इस दौरान उन्होंने कई नए प्रयोग कर सबसे अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जब अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के दूसरे बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना, तो एक बार फिर कल्पना को उसके अभियान दल में शामिल किया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए। मानव शरीर कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। 19 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया, लेकिन दुर्भाग्य की 16 दिन इस अपनी सफल यात्रा के बाद जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी लौट रहा था, तो पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर ही इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब दोबारा हुआ अमेरिका अंतरिक्ष यान में कोलंबिया के दूसरी बार अंतरिक्ष में भेजा जाने कार्यक्रम बनाने लगा अमेरिका वाला, तो फिर एक बार कल्पना को इस अभियान दल में शामिल कर लिया गया था। यह बात है 16 जनवरी 2003 की, जब कल्पना एक बार फिर से कैनेडी अंतरिक्ष से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। अब 16 दिन के इस अभियान में 80 प्रयोग किए गए थे, जिनमें से मानव शरीर कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों पर भी भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। अब 19 जनवरी 2003 को इस अभियान दल की यात्रियों ने अपने इस मिशन को कामयाब बताया। अब 19 जनवरी 2003 को ये जो मिशन था वो कामयाब हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी लौट रहा था, तो जब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 16 दिन का जो सफल यात्रा हो गया था कंप्लीट, तो जब लौट रहा था अभियान दल 1 फरवरी 2003 को, याद रखिएगा ये तारीख 1 फरवरी 2003 को जब पृथ्वी लौट रहा था, तो पृथ्वी की कुछ ही दूरी पर इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया। ये जो यान था वो भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया पृथ्वी से कुछ ही मिनट की दूरी पर और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। मतलब अंतरिक्ष की बेटी जो थी, जिनको कह रहा है ये, किनको? कल्पना चावला को। वो अपने 7 साथी के साथ अंतरिक्ष में ही खो गई, मतलब वो वहां ही मर गई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से पूरी दुनिया स्तंभ रह गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्षयान मेगसेट का नाम कल्पना एक रखा जाएगा। इस प्रकार अदम्य साहस, इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की बेटी कल्पना ने न सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा किया, बल्कि पूरे देश का नाम भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। आइए हम लोग अभी से समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से पूरी दुनिया जो थी अस्तम्भ लग गई थी। भारत उस टाइम समय की जो भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम अटल श्री अटल बिहारी वाजपेयी था, वो संसद में कल्पना के प्रति जो थे श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति में जो थे अंतरिक्ष यान का नाम मेट सेट का नाम जो है अंतरिक्ष यान जो मेट सेट है उनका नाम कल्पना एक रखा जाएगा। और ये जो है एग्जाम में आता है कि अंतरिक्ष यान जो मेट सेट था वो कल्पना के नाम पे, कल्पना एक के नाम पे रखा जाएगा, क्योंकि
ये जो क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एग्जाम में। और इसी प्रकार जो है अदम्य साहस दिल इच्छा शक्ति और बल प्रभात की बेटी अपन से महिला जाति का नाम ऊंचा कर लिया, मतलब वो अपने साहस और इच्छा शक्ति के से और कर्तव्य निष्ठा के बल प्रभात की जो बेटी थी अपना वो सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा नहीं किया बल्कि पूरे देश का भी विश्व इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। अब पाठगत प्रश्न 6.1 बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब हम लोग विजेंद्री पाल पहली महिला एवरेस्ट विजेता के बारे में पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब कल्पना चावला की तरह ही विजेंद्री पाल भी साहस की प्राय हैं। विजेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। विजेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले में परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशनपाल सिंह और माँ हंसदेई नेगी की 5 संतानों में बिछिंद्री तीसरे स्थान में है। बिछिंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था लेकिन जब बिछिंद्री उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती तो उन्हें डांट कर मना कर दिया जाता था। इससे बिछिंद्री का मनोबल और बढ़ा और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा ढेर होती गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो भी वही करेंगे जो लड़के करते हैं, वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे बल्कि उनसे बेहतर ही करके दिखाएंगे। और इसी जज्बे से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। आइए अब इसे समझते हैं। अब कल्पना चावला की तरह जो बिछेंद्री पाल थी साहस की प्राय थी। बिछेंद्री पाल जो थी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिलाएं होने का गौरव प्राप्त है इन्हें। बिछेंद्री पाल का जो जन्म है 1954 में चमोली जिले में परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले साधारण भारतीय में हुआ था, भारतीय परिवार में हुआ था, मतलब जहां पे सिर्फ पुरुषों का चलता हो वहां उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था किशनपाल सिंह और माँ हंसदोई नेगी थी। इनके 5 संतानों में बिछिंद्री पाल तीसरी संतान है। याद रखिएगा बिछिंद्री पाल जो थी तीसरी संतान है। बिछिंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था लेकिन जब बिछिंद्री ने उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती थी तो उन्हें डांट कर मना कर दिया था। जब ये बोलती थी कि मुझे भी जाना है पहाड़ पर चढ़ने भी, तो उन्हें डांट कर मना कर दिया जाता था। इससे बिछिंद्री का जो है और मनोबल बढ़ा और पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा को भीड़ होती गई। उनकी इच्छा जो थी और मजबूत हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो भी वही करेंगे जो लड़के करते हैं, वो किसी से पीछे नहीं रहेंगी बल्कि उनसे बेहतर ही करके दिखाएंगी। और इसी जज्बे से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिए थी वो। कौन? पर्वतारोहण का जो प्रशिक्षण लेना शुरू कर दी थी कौन? बिछेंद्री पाल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बिछेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। 8वीं पास करने के बाद पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बिछेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश लिया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत से MA तथा BEd की उपाधि प्राप्त की। अब बिछेंद्री जो थी बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी और जो है यही जो चली थी 5 किलोमीटर यही उनको जो है पर्वतारोहण परीक्षण में उन्हें एक कठोर परिश्रम बहुत ही काम आया। 8वीं पास करने के बाद जो पिता थे उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिए और बिछेंद्री ने इसका भी रास्ता निकाल लिया और उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च उठाने लगी और इसी तरह उन्होंने संस्कृत से MA तथा BEd की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। इस दौरान बिछेंद्री ने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर ऊंचाई 6.72 मीटर तथा लूट गौड़ा ऊंचाई 5.819 मीटर की चढ़ाई की जिससे इनमें आत्मविश्वास और बढ़ी। अब पढ़ाई के साथ साथ बिछेंद्री जो थी वो पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखी। इस दौरान बिछेंद्री ने कायाना पर्वत की चढ़ाई की जो 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर की जिसका ऊंचाई था 6.672 मीटर तथा
रूट गौड़ा की ऊंचाई 5,819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे इन्हें में आत्मविश्वास और बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोही का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेनजिंग नॉर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंग के ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प किया कि वो भी उनकी ही तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी। वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दडो जी भी थे। इस तरह बिशेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब बात है, ये अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था, तब वे पहली बार तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष थे वो, और जुमके ताबी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी उनसे मिली। कौन मिली? बिचेंद्री पाल। तब उन्होंने संकल्प किया कि वो भी उनकी ही तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगी, और वो दिन भी आया। वो दिन कौन सा था? 23 मई 1984 दोपहर का 1:07 था, तब वो भारत एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराई थी। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दरोजी भी थे। इसी तरह बछेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत साधनों के न होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और इच्छा शक्ति हो, तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उनका रास्ता नहीं रोक सकती। अब हम लोग कह सकते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिला जो थी पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। बहुत साधनों के न होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्त की और आने वाले कठिनाइयों के सामने कभी भी घुटना नहीं टेकी, और उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि अगर व्यक्ति आत्मविश्वास, लगन, साहस और इच्छा शक्ति हो, तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उनकी रास्ता नहीं रोक सकती है। और इस तरह पाठ खत्म हो गया। पाठ्यक्रम प्रश्न 6.3 बनाने का कोशिश करें। ये रहा पाठान प्रश्न, इसे भी बनाने की कोशिश करें। और यहां दिया गया है उत्तर माला। पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर उत्तर माला का मदद लें। अगर समझ में नहीं आया हो तो अपने शंका को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें, हम लोग उसे आपको बताने का कोशिश करेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद।